जोहार, मैं स्मिता किरण टोप्पो, रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय रांची, राजनीति विज्ञान विभाग, बीए सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों के साथ उनके कोर पेपर 13 के एक अन्य अध्याय अराजकतावाद की चर्चा के लिए पुनः उपस्थित हूँ। इस ऑडियो में आज हम सुनेंगे अराजकतावाद की आलोचना के विषय में। पिछले ऑडियो में हम लोगों ने यह जाना कि अराजकतावाद के विभिन्न सिद्धांत या उसके उसकी विभिन्न मान्यताएं क्या थी, क्या हैं। अराजकतावाद यह मानकर चलता है कि मनुष्य स्वाभाविक गुणों से संपन्न है, उसमें अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, बुराइयाँ राज्य की वजह से हैं, और इसीलिए वह ऐसे समाज की स्थापना चाहता है जहाँ राज्य ना हो, नियंत्रण ना हो, अराजक समाज की स्थापना चाहता है। अब यदि हम अराजकतावाद की आलोचनाओं को देखेंगे तो इसकी बहुत सारी आलोचनाएं की गई हैं। पहली आलोचना यह कहती है कि अराजकतावादी विचारधारा बहुत अधिक आदर्शवादी इसलिए क्योंकि अराजकतावादियों ने हमेशा ही व्यक्ति के गुणों के बारे में बात की है, सहयोग और समानता के बारे में बात की है। एक ऐसे वर्ग की कल्पना वे करते हैं जो राज्यविहीन और वर्गविहीन हो, जिसमें मनुष्य के जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं हो। लेकिन अगर हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो ऐसी आदर्श समाज की स्थापना दुनिया में संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य जितनी अच्छाइयों के साथ पैदा होता है उतनी ही बुराइयां भी उसमें होती हैं। तो इसलिए यह अराजकतावादी दर्शन या अराजकतावादी विचारधारा बहुत अधिक आदर्शवादी है, और इतनी आदर्शवादिता किसी भी विचारधारा के लिए या व्यवहारिक जगत में ऐसी आदर्शवादिता संभव नहीं है, इसलिए इसकी आलोचना की गई है। दूसरी आलोचना कहती है कि अराजकतावादी मानव स्वभाव के एक ही भाग को दिखाते हैं, मतलब मानव स्वभाव के एक अंग को ही इन्होंने दर्शाया है। जैसा कि मैंने कहा कि ये मानते हैं कि व्यक्ति सहयोगी प्रवृत्ति का है, वह दूसरे से प्रेम करता है, दूसरे के हित के बारे में सोचता है, तो अराजकतावादी उसको एक उसका दैवीय पक्ष या एक अच्छा पक्ष दिखाते हैं, मनुष्य के स्वभाव का एक अच्छा पक्ष लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन दैवीय पक्ष के साथ साथ में जो पाशविक पक्ष है, जो उसमें बुराइयां हैं, पारस्परिक द्वेष, घृणा, प्रतियोगिता, संघर्ष, इन सब की बात अराजकतावादी नहीं करते हैं, जबकि व्यक्ति में दोनों पक्ष पाए जाते हैं, और इसीलिए आलोचकों ने अराजकतावाद की आलोचना की है। अराजकतावाद की तीसरी आलोचना यह कहती है कि मानव स्वभाव के बुराइयों के बारे में राज्य को दोषी ठहराया जाता है, वह गलत है। अराजकतावादी कहते हैं कि मनुष्य की बुराइयों के लिए राज्य उत्तरदायी है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि मनुष्य में स्वाभाविक रूप से गुण और दुर्गुण दोनों होते हैं, तो दुर्गुणों के लिए राज्य कैसे उत्तरदायी हो सकता है? अगर गुणों के लिए व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी है तो दुर्गुणों के लिए भी व्यक्ति स्वयं ही उत्तरदायी होगा। इसलिए आलोचक कहते हैं कि मनुष्य के स्वभाव में बुराइयों के लिए राज्य को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। चौथी आलोचना कहती है कि अराजकतावादी विचारधारा विरोधाभासी है। विरोधाभासी इस तरह से, जैसे अभी तुरंत हमने कहा कि अराजकतावाद मानता है कि मनुष्य में गुण अधिक हैं, या वह गुणों के बारे में ही बताता है कि वह सहयोगी है, निस्वार्थी है,
उसमें स्वार्थ नहीं है, सहानुभूति है, प्रेम है, सेवा की भावना है। तो अगर कोई मनुष्य इन सारे गुणों से युक्त है तो शासक के रूप में वह कैसे तुरंत अत्याचारी और स्वार्थपूर्ण हो जाता है? तो अराजकतावादी ये कह सकते हैं कि शक्ति प्राप्ति की इच्छा या निजी संपत्ति जमा करने की इच्छा इन लोगों को भ्रष्ट कर देती है। लेकिन इस बात को बहुत स्पष्ट अराजकतावादियों ने नहीं किया है कि अगर सामान्य जनता का चरित्र बहुत अच्छा हो सकता है या सामान्य जनता के चरित्र में सुधार हो सकता है, उनके गुणों में और वृद्धि हो सकती है, तो वही सुधार या वही गुणों में वृद्धि शासकों में क्यों नहीं हो सकती? इस बात को अराजकतावादियों ने स्पष्ट नहीं किया और इस वजह से अराजकतावाद को विरोधाभासी विचारधारा कहा जाता है। अराजकतावाद की एक अन्य आलोचना ये कहती है कि राज्य को बुराई नहीं कहना चाहिए, राज्य बुराई नहीं है, ये सभ्य जीवन या विकसित जीवन की एक अनिवार्य स्थिति है। राज्य के संबंध में बार बार हम लोगों ने ये कहा कि अराजकतावादी राज्य का विरोध कर रहे हैं, राज्य को ये नहीं मानते हैं और राज्य को ये अत्याचार और शोषण की संस्था के रूप में देखते हैं। आलोचना करने वाले कहते हैं कि राज्य का एक लोक कल्याणकारी पक्ष भी है, इसको अराजकतावादी नहीं देख पाते। राज्य जब लोकहित का काम करता है, लोगों के लिए साधन बनता है, तब उस पक्ष को अराजकतावादियों के द्वारा नहीं देखा गया है। और आलोचक कहते हैं कि राज्य दुर्गुण के स्थान पर या बुराई के स्थान पर एक सकारात्मक अच्छाई के रूप में देखा जा सकता है और इसको एक अनिवार्य स्थिति या अनिवार्य दशा के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है कि राज्य विकास के लिए, सभ्य जीवन की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। अराजकतावाद की अन्य आलोचना कहती है कि अराजकतावादियों का जो ऐतिहासिक अध्ययन है वह दोषपूर्ण है। अराजकतावादियों पर यह आरोप लगाते हैं आलोचक कि राज्य के द्वारा कई बार ऐसे काम किए गए हैं जो व्यक्ति के लिए हितकारी नजर आए हैं। सभ्यता और संस्कृति का विकास राज्य की सत्ता में ही हुआ है, तो अराजकतावादियों का ये मानना कि राज्य लाभदायक नहीं है और राज्य के द्वारा कभी भी कोई महान काम नहीं किया गया, ये बिल्कुल गलत है। और इसीलिए आलोचक अराजकतावादियों के ऐतिहासिक अध्ययन को दोषपूर्ण ठहराते हैं। वो कहते हैं कि उनका अध्ययन इतिहास के बारे में गलत है। इतिहास में, राज्य में, अगर हम इतिहास को देखें तो राज्य के अच्छे कामों को भी हम बहुत स्थानों पर देख सकते हैं, राज्य के द्वारा किए गए विकास के कार्यों को देख सकते हैं, व्यक्ति के हित के लिए किए गए कामों को देखा जा सकता है। इसलिए राज्य का ऐतिहासिक अध्ययन अराजकतावादियों के दृष्टिकोण से ये गलत है। अराजकतावाद की एक अन्य आलोचना कहती है कि अराजकतावादी अपने उद्देश्य को स्पष्ट नहीं करते, मतलब वे यह नहीं बतला पाते हैं कि राज्य अगर समाप्त हो जाएगा, राज्य विहीन अगर समाज बन जाएगा, तो किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, होगी, लोग कैसे ऐच्छिक संगठनों से जुड़ेंगे, अगर संगठन भी बनेंगे तो उन संगठनों की शुरुआत कैसे होगी, कौन उसके प्रशासनिक कामों को देखेगा, कौन उसके आर्थिक कामों को देखेगा, और उन संगठनों में दंड की क्या व्यवस्था होगी अगर उनमें विवाद हो जाता है तो इन सारी बातों को अराजकतावाद में स्पष्ट नहीं किया गया है, जिसके कारण अराजकतावाद की आलोचना की गई है कि उनका कार्यक्रम या उनका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। अराजकतावादियों की आलोचना इस आधार पर भी की गई है कि वे धर्म का विरोध करते हैं। आलोचक कहते हैं कि धर्म कभी भी व्यक्ति को बुराई की तरफ नहीं ले जाता है,
धर्म नैतिकता सिखाता है। तो जब अराजकतावाद नैतिकता की बात करता है, मानवीय स्वतंत्रता की बात करता है, तो उसे धर्म से घृणा नहीं करनी चाहिए या धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म घृणा की चीज़ नहीं है। धर्म नैतिकता को सिखाती है, नैतिकता का समर्थन करती है, और इसीलिए जब अराजकतावादी कहते हैं कि धर्म का विरोध होना चाहिए, तो इस आधार पर आलोचक उनकी आलोचना करते हैं कि धर्म बुरी वस्तु नहीं है, धर्म बुराई नहीं है, धर्म एक अच्छाई है। अराजकतावादियों की आलोचना करने में यह कहा जाता है कि उनका स्वतंत्रता संबंधी दृष्टिकोण भी दोषपूर्ण है। अराजकतावादी कानून को नहीं मानते हैं, राज्य की शक्ति को नहीं मानते हैं, नियंत्रण को नहीं मानते हैं। पर आलोचक कहते हैं कि राज्य में कानून ही ऐसी चीज है जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता बचाए रखी जा सकती है। अगर कानून नहीं होगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं होगी। तो आलोचना करने वाले यह मानते हैं कि वास्तव में कानून स्वतंत्रता का रक्षक होता है, और कानून की वजह से ही लोगों की स्वतंत्रता का उपयोग लोगों के द्वारा किया जा सकता है। मतलब स्वतंत्र होने के लिए ही हम बंधनों में रहते हैं, ये सिसरो का कहना है। तो अराजकतावादी विचारधारा की आलोचना इस आधार पर भी की गई है कि ये स्वतंत्रता संबंधी इनका दृष्टिकोण कमजोर है या दोषपूर्ण है। अभी हमने जितने भी आलोचनाओं को देखा, जितनी भी आलोचनाओं को देखा, उन सभी आलोचनाओं में अराजकतावाद की कमियों को बताया गया है, क्योंकि अराजकतावादी विचारधारा एक एक आदर्श समाज की कल्पना कर रही है, और उस आदर्श समाज की कल्पना या उस आदर्श समाज को कल्पना से व्यवहार रूप में लाना असंभव दिखता है। इसकी अव्यवहारिकता इस बात से प्रमाणित होती है कि अराजकतावादी व्यवस्था को किसी भी देश या किसी भी समाज में व्यवहारिक रूप नहीं दिया जा सका। ये सोच जरूर है कि अराजकतावादी समाज की स्थापना होनी चाहिए, वर्गविहीन, राज्यविहीन और नियंत्रणविहीन समाज की स्थापना होनी चाहिए, किंतु इस विचारधारा को व्यवहारिक रूप में नहीं अपनाया जा सका है। तो अराजकतावाद एक ऐसी विचारधारा के रूप में ही हमारे सामने है जिसमें नियंत्रणों के अभाव को स्वीकार किया जा रहा है, नियंत्रणों को नहीं माना जा रहा है, और इसके साथ जुड़ी हुई जो और दो तीन विचारधाराएं हैं, उदारवाद या साम्यवाद, व्यक्तिवाद। तो उदारवाद, साम्यवाद और व्यक्तिवाद, इन तीनों विचारधाराओं के साथ में हम अराजकतावाद के कुछ सिद्धांतों को आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। जैसे कि पिछले ऑडियो में भी मैंने कहा कि यह कहा जाता है कि जहाँ साम्यवाद की समाप्ति होती है, वहीं अराजकतावाद की शुरुआत होती है। तो इसको इसलिए ऐसा कहा गया है कि दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं, साम्यवाद में और अराजकतावाद में। समानताएं क्या हैं? राज्य के प्रति उनका दृष्टिकोण, राज्य की समाप्ति के बारे में उनका दृष्टिकोण एक जैसा है। पूंजीवाद का विरोध दोनों करते हैं। दोनों क्रांति को एक साधन मानते हैं कि क्रांति के द्वारा राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना की जा सकती है। दोनों ही विचारधाराएं प्रजातंत्र या प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था का विरोध करती हैं। दोनों ही विचारधाराएं धर्म का विरोध करती हैं, और दोनों विचारधाराओं में
ऐसे समाज की कल्पना है जहां बंधनों से मुक्त व्यक्ति होगा, पूंजीवाद का शोषण नहीं होगा, राज्य का दबाव नहीं होगा और व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र होगा। साम्यवाद और अराजकतावाद दोनों में समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की कल्पना है, जहां व्यक्ति के साथ में किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। और इनकी कल्पना है कि राज्य के स्थान पर विभिन्न ऐच्छिक समुदाय होंगे, ऐच्छिक संगठन होंगे, और यही समुदाय व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति के विकास से संबंधित काम करेंगे, सभी काम करेंगे और सभी के द्वारा उस काम का जो लाभ होगा उसका लाभ उठाया जा सकेगा। मतलब सभी का भाग उस समाज में किए गए कामों में, और काम से जो परिणाम होगा, लाभ जो पाया जाएगा, उस लाभ में भी सभी का अधिकार होगा। ऐसी कल्पना या ऐसा विचार अराजकतावाद और साम्यवाद दोनों में है। अराजकतावादियों पर साम्यवाद का दर्शन या साम्यवादी दर्शन का जो प्रभाव है वो बहुत अधिक देखा जा सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अराजकतावाद साम्यवाद व्यक्तिवाद से प्रभावित वह विचारधारा है जिसमें वर्गहीन, राज्यहीन और नियंत्रणहीन समाज की स्थापना का विचार है और इनमें कहीं भी पूंजीवाद, धर्म, राज्य और प्रजातंत्र जैसी बातों के लिए स्थान नहीं है।